जीरो है दो। चले मैं यहाँ इक्वेशन बना देता हूँ, यहाँ पर लायबिलिटीज हमने जीरो लिख दी, ठीक है, या वहां पर जीरो। अगर मैं इसे काउंटिंग इक्वेशन को बेस बना के लेके चलूं, ये सोल प्रोपराइटर में यही अकाउंटिंग इक्वेशन है, लेकिन हम यहाँ पर सोल प्रोपराइटर नहीं बल्कि कंपनी का काम कर रहे हैं। सबसे पहली जहन में ये बात होनी चाहिए कि यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है। इसके अंदर हम पार्टनरशिप, इसके अंदर हम सोल प्रोपराइटर के इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट नहीं है। बुक्स में भी जो लिखा जाता है वो नॉर्मली कंपनी बेस्ड काम होता है। अच्छा, अब आपके पास आ गया, अगर मैं कंपनी की अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊं तो वहां पे कैश डेबिट साइड पर या इसको एसेट्स, और वहीं पर आपके पास सामने मौजूद होता है क्या चीज, शेयर कैपिटल। यानी कि कंपनी को जो कैश प्रोवाइड किया है किसने, लोगों ने शेयर्स के थ्रू दिया है। अब ये जो शेयर कैपिटल है लोगों की इन्वेस्टमेंट है। फर्ज करें कि मैंने किसी कंपनी के 500 शेयर खरीद लिए और मैं अपनी कंपनी के सॉरी मैं अपने घर पर बैठा हूं, क्या मैं कंपनी मैनेज करने जाता हूँ? आंसर इज नो। कंपनी मैनेज करने के लिए एक अलग मैकेनिज्म है, अलग डायरेक्टर्स हैं, वो अपॉइंट होते हैं और वो मैनेज करते हैं। अब मुझे घर पर बैठे बैठे परेशानी है कि यार जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं डूब ना जाए, लिहाजा ये जो शेयर कैपिटल है जिन लोगों ने कैपिटल प्रोवाइड किया उनकी अपनी एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। यानी कि मेरी एक अपनी ख्वाहिश है कि यार मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा इतना रिटर्न आना चाहिए, तो इसके बदले में शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पर क्या चाहिए, इन शेयर होल्डर्स को रिटर्न के बदले में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, वो क्या चाहिए इन्हें, यहाँ पर डिविडेंड चाहिए। इन्हें क्या चीज चाहिए, डिविडेंड, ठीक है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट का दूसरा नाम डिविडेंड हो गया आपके पास। क्लियर यहाँ तक? फिर रिपीट कर दूं, यहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है इस इन्वेस्टमेंट को लेके ये कैश डेबिट हो गया, एक शेयर कैपिटल क्रेडिट, बेसिक अकाउंटिंग की क्वेश्चन है। अच्छा, लेकिन इसमें आप खुद मैनेज नहीं करेंगे, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, ठीक है ना, वो कंपनी को रन करेंगे, डिस